आईपीएल 2020 में अपना आठवां मैच खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स एसआरएच से जीत जरूर गई, लेकिन इस जीत के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। इस मैच के अंतिम क्षणों में एम्पायर पॉल राइफल के एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अंपायर ने गेंद को वाइड नहीं दिया, जबकि साफ नजर आ रहा था कि गेंद वाइड है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे इस मैच में सनराइजर्स की पारी का 19वां ओवर चल रहा था। मैच संतुलन में था। 19वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने 2 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर की अगली गेंद वाइड हो गई। इससे अगली गेंद भी वाइड लग रही थी। अंपायर पॉल राइफल ने इशारा करने की शुरुआत भी की, लेकिन उसे अंत में वाइड नहीं दिया। दरअसल जब वाइड करार देने के लिए वो इशारा करना चाहते थे, तभी से धोनी ने विकेट के पीछे से विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद राइफल ने अपना फैसला बदल लिया। हालांकि आपको बता दें कि एमएस धोनी अंपायर के फैसले को इस तरह प्रभावित नहीं कर सकते थे। डगआउट में बैठे डेविड वार्नर भी इस फैसले से काफी हैरान नजर आए। आपको बता दें कि इसके बाद सोशल मीडिया पर धोनी से फैंस नाराज नजर आ रहे हैं और कई लोग ट्वीट कर इसे धोनी की दादागिरी का नाम दे रहे हैं, तो कई लोगों ने सीएसके को बैन करने की भी आवाज उठा दी है।